नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फूजी साहब चैनल में। और आज हम आपके लेकर आए हैं कटहल की सब्जी। तो कटहल को घर पे काटना और साफ करना बड़ा ही चिपचिपा काम है, इसलिए बाजार से ही हमने कटवा के ले लिया है इसको। और काटने के लिए एक आसान तरीका होता है, जिसमें इसमें नींबू रगड़ें या हाथ में तेल लगा लें तो काटना आसान होता है, पर फिर भी उन सब झंझट से बचना है तो इसको बाज़ार से ही कटवा कर ले आइए। और ये बाज़ार में जो सब्ज़ी वाला है, इसने बहुत ही सफाई से इसको काट कर दिया है, इसके छिलके अलग कर दिए हैं और इसको पीसेस में काट दिया है। तो अगर आप पीसेस बड़े नज़र आए तो आप इसको घर में लाकर भी छोटा कर सकते हैं। इस तरह से इसकी छिलके निकाल दिए जाते हैं और फिर इसके पीसेस कर लिए जाते हैं। कटहल बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी होती है और बहुत सारे लोग इसकी तुलना नॉनवेज या मटन से भी करते हैं। इस तरह से इसे काट दिया गया पीसेस में। ये बहुत ताज़ा कटहल है और इसका कलर ही देख के लग रहा है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। आप कटहल कैसे बनाते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस तरह से हमने कुछ पीसेस जो बड़े थे वो छोटे कर लिए और इसको पानी में डुबा कर रख लिया है। और इसमें हम आलू भी शामिल करेंगे, तो आलू छील के इसमें दो आलू भी डाल देंगे। ये आधा किलो कटहल है, आधा किलो ये काटने से पहले है, काटने छीलने से पहले है, छिलका उतारने से पहले। छिलका निकालने के बाद ये 450 ग्राम के आसपास होगा। और ये हमने दो आलू लिए हैं। इस कटहल को हम एक विसिल उबालेंगे, एक विसिल से अधिक नहीं उबालेंगे, अधिक उबालने पर ये ज़्यादा पचपचा बन जाता है, तो हम इसको ज़्यादा भी नहीं उबालेंगे। और इसमें हमने आधा गिलास पानी डाला है और कुकर में एक विसिल आने तक इसको पकाएंगे। नमक भी शामिल किया हुआ है इसमें एक विसिल। अब इसके मसाले बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने लहसुन लिया है, अदरक का छोटा टुकड़ा लिया है, हरी मिर्चें लिए हैं और ये साबुत धनिया लिए हैं और इसमें जीरा लिया है। इन सबको एक साथ पीस लेंगे। ये तीन टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब एक कढ़ाई में हम ये सरसों का तेल ले रहे हैं, सरसों के तेल के साथ कटहल का स्वाद अच्छा आता है। और ये जो हमने उबाले हुए हैं कटहल, ये देखिए बहुत ज़्यादा पचपचा नहीं हुआ है, ड्राई है और ये उबल भी चुका है, पक गया है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हल्का, इस तरह से सरसों के तेल में इसे फ्राई करेंगे। ये थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़े थोड़े लाल हो जाए इस तरह। जब ये थोड़ा भून के लाल भूरा हो जाएगा तब हम इसको अलग निकाल देंगे। इस तरह से इसको चम्मच चलाते हुए लाल भूरा होते तक भून लेंगे, इससे कटहल का स्वाद अच्छा आता है। इस तरह से कटहल को अच्छे से भुनाई कर लेंगे, फिर इसको अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब इसमें मसाले बनाएंगे। इसके लिए फिर से हमने तेल ले लिया है और इसमें तेज पत्ता डालेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा जीरा डाल देते हैं। जीरा जब अच्छे से भून जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तब फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये तीन बड़े साइज़ के प्याज हमने लिए हैं और उसको लंबे लंबे काटे हुए हैं। प्याज को बढ़िया से भुंजाई करेंगे। जब प्याज अच्छे से भुन जाए तब फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। इसको पूरा ब्राउन होते तक नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा प्याज हल्का कच्चा और आधे ब्राउन हो जाए तब इसको, फिर इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे और इसको भी बढ़िया से टमाटर को पका लेंगे इसके साथ। कटहल को अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जानते हैं, आपके इलाके में कटहल को क्या बोलते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो हमने हरी मिर्ची, लहसुन,
धनिया पीसा हुआ तो वो डाल देते हैं, साथ ही कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखा लाल मिर्च थोड़ा सा और नमक। अब इसको बढ़िया से मसाले को भून लेंगे, ज़रूरत पड़ने पे इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर इसकी भुनाई करेंगे। मसाला हमारा जितना अच्छा भुना होगा उतनी अच्छे स्वाद आएगा इसका। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है। जब मसाले से थोड़े तेल बाहर आने लगे तब फिर हम इसमें कटहल शामिल कर देंगे। ये कटहल जो हमने भून के रखे थे इसमें शामिल करेंगे और इस मसाले के साथ इसको 5 से 7 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे और हर बीच बीच में इसको ढक देंगे और ढकने के बाद फिर से ढक्कन खोलकर हर 2 मिनट में इसको पलटा मार लेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं और मसाले के साथ बहुत ही बढ़िया मिक्स हो जाए। मसाले के साथ जितने बढ़िया से ये भुना जाएगा उतना अच्छा स्वाद आएगा, मसाले का स्वाद पूरा इसमें अंदर तक जाएगा। इस तरह से कटहल हमारा तैयार हो रहा है, इसमें थोड़ा पानी मिला के थोड़ी देर और पकाएंगे। कटहल की सब्जी हमारी रेडी होने वाली है, 2 मिनट और इसको पकाएंगे उसके बाद फिर ये हो जाएगा। ये देखिए पानी सारे सूख गए हैं और ये बढ़िया आपस में मसाले के साथ मिक्स हो गया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मसाला है और कटहल अलग अलग है। थोड़ा सा और इसको 1/2 मिनट 1 मिनट के लिए रखेंगे फिर हमारा कटहल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपने घर पे कटहल बनाकर ज़रूर खाइए। गर्मियों में ये बहुतायत मात्रा में बाज़ार में उपलब्ध होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो कटहल का स्वाद जरूर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें लास्ट में धनिया पत्ती शामिल करेंगे और कटहल